सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग हॉटस्पॉट। सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ बफर्स के बारे में। सो गाइस, पहले हम जान लेते हैं कि बफर्स एक्चुअली में हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी फ्लूड्स को। उसके बाद गाइज हम जानेंगे कि बफर है जो, उसका रोल क्या है फार्मेसी फील्ड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन कौन से बफर्स हैं। तीन तरह के बेसिकली बफर्स होते हैं। पहला जो बफर सिस्टम है वो है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो जैसा कि नाम बता रहा है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब HCO3 नेगेटिव एक एसिडिक मीडियम में पड़ा है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आइंस इसके चारों ओर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या करेगा ये एच पॉजिटिव आयन को ले लेगा और बना देगा H2CO3, ठीक है, जो एक स्टेबल है कंपाउंड है, विच लेटर डिसोशिएट फर्दर टू यील्ड CO2 एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसोशिएट हो जाएगा। यही सब बात इसमें लिखी है, बस याद रखिएगा कि प्लाज्मा और किडनी में मेनली ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर क्या होगा, अगर आपका एल्कली मीडियम होगा मतलब हाइड्रोजन आयन की शॉर्टेज होगी, तब क्या होगा दोस्तों, H2CO3 डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में, ठीक है। तो इसी तरह से इन लंग्स में भी ऐसे होता है कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद प्रोटोनेटेड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीजिंग प्रोटोन, दिस प्रोटोन कंबाइन विद कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस डिसोसिएट टू यील्ड CO2 एंड वाटर, और CO2 एक्सहेल्ट आउट हो जाती है। तो यही बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, ऐसे ये प्रोटोन कंबाइन होते हैं बाइकार्बोनेट से और फिर उसका काम होने पे स्टेबल होने के बाद उसको वो CO2 हमारा एक्सहेल आउट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा था पहला सिस्टम गाइस। उसके बाद सेकंड सिस्टम इज फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं मार्केट में भी। सो ये बफर सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल pH है ना वो मेंटेन रहे 7.4, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें, अगर एसिडिक मीडियम में क्या होगा और बेसिक मीडियम में क्या होगा, अगर एसिडिक होगा तो Na2HPO4 ये बना लेगा सोल्ट NaCl और कन्वर्ट हो जाएगा NH2PO4 में, मतलब बेसिकली एक हाइड्रोजन आयन इसने गेन कर लिया फ्रॉम दिस HCl। एंड इफ वी टॉक अबाउट बेस, इसमें क्या करा है इसने, मतलब हाइड्रोजन आयन की शॉर्टेज है तो NH2PO4 कन्वर्ट हो जाएगा Na2HPO4 में, एक सोडियम आयन चला जाएगा और एक मतलब आ जाएगा एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोजन आयन चला जाएगा, जबकि एसिडिक मीडियम में उल्टा है, एक सोडियम आयन जा रहा है और एक हाइड्रोजन आयन एड ऑन हो रहा है। तो यही सब फंडा इसमें लिख रखा है कि हाउ टू, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। मेन जो हमको याद रखना है वो रखना है कि दिस अकर इन सेल एंड किडनी, ओके गाइस। उसके बाद अगर हम थर्ड बफर सिस्टम की बात करें तो वो है लास्ट और थर्ड हमारा बफर सिस्टम है, वो है प्रोटीन मतलब हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। ये मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट तो होगा ही, क्योंकि प्रोटीन हमारा हर मैं कहूँगा कि हर पार्ट में है बॉडी के, हर जगह फैला हुआ है। सो उसके बाद हम देखें कि ये है बॉडी सेल्स एंड प्लाज्मा में, ठीक है, और बॉडी सेल्स तो कहीं भी हो सकती है, बॉडी सेल्स से जो हमारे टिश्यू और ऑर्गन बने हैं, तो वाइडली स्प्रेड है। उसके बाद अगर हम डायरेक्टली जाएं इसके रिएक्शन पे, तो हाइड्रोजन ये जब एसिडिक मीडियम होगा तब क्या होगा, NaH3 एक नाइट्रोजन आयन गेन हो जाएगा नाइट्रोजन एटम पे, और अगर मैं बात करूँ बेसिक मीडियम में तब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो लूज हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन ओके इन एल्कली मीडियम टू न्यूट्रलाइज द एल्कली कंडीशन। सो इस तरीके से मतलब हाइड्रोजन आयन का रिमूवल या फिर एडिशन होने से आप देख सकते हैं गाइज हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम है वो मेंटेन है। तो उसके बाद ये तो थी हमारी कुछ बफर सिस्टम्स की बात। अगर मैं बात करूं रोल के बारे में, तो क्या रोल है स्टेबल बफर का, फर्स्ट है कि उसका कलर। अब कलर कैसे गाइस, जो बहुत नेचुरल डाइज है ठीक है, और मतलब सिंथेटिक डाइज या फिर हमारी बॉडी फ्लूड का जो एक्सट्रैक्ट है जो उससे बनते हैं नेचुरल डाइज, वो pH डिपेंडेंट है। अब मतलब कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं जो सर्टेन pH पे सर्टेन मतलब वो इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस करती है, तो अगर उसका pH चेंज होएगा मतलब वो अगर ख़राब हो जाएगी दवाई तो वो अपना कलर चेंज कर देगी। जैसे कि हमारे पे आता है कि चेरी सिरप होता है जो जो बेसिकली रेड कलर का होता है, वो एसिडिक मीडियम में तो रेड कलर का होता है, पर जैसे ही वो एल्कली pH में आएगा इट बिकम पेल येल्लो इन कलर, ठीक है। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्टेबल बफर को कलर चेंज नहीं करना चाहिए, दूसरी बात उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कंपाउंड को, क्योंकि अगर हम देखें ओरबिक एसिड और पेनिसिलिन और एल्कलाइन पीएच, तो एल्कलाइन पीएच पे ये दोनों अनस्टेबल हैं। थर्ड वन इज नॉन इरिटेंट, वो जो प्रिपरेशन हमने बनाई है अपने यूज के लिए एक्सटर्नल या इंटरनल यूज के लिए वो इरिटेट करने लग जाती है अगर उसका पीएच हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच से अलग है तो। ठीक है, तो कलर शुड बी मेंटेन, इट शुड स्टेबल द कंपाउंड एंड इट शुड बी नॉन इरिटेंट। सो यही था दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्टेबिलिटी ऑफ वेफर्स इज क्लियर टू यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन और टू गिव योर फीडबैक। थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट।